हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो आपको दिखाऊंगा, ये वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट शेयर करूंगा। मेरा वीडियो के अंदर बहुत दिन पहले से ही बहुत इस तरह कमेंट में देखा कि मेन जो सीआरटी पीसीबी होता है, वो जो पीसीबी का प्रोसेसर आईसी होता है, प्रोसेसर आईसी से तीनों मेन कलर जो प्राइमरी कलर होते हैं आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीनों कलर आउटपुट होता है। और ये तीनों कलर पिक्चर ट्यूब का जो बेसबोर्ड होता है, बेसबोर्ड पर जाता है और बेसबोर्ड से पिक्चर ट्यूब के अंदर जाता है। और ये तीनों कलर मिक्सिंग होने के बाद पिक्चर जो आउटपुट देता है, ये जो ओरिजिनल कलर होना चाहिए सब कुछ, वो तीनों कलर मिक्सिंग होने के बाद ओरिजिनल कलर आउटपुट होता है। बट मेन कलर जो होता है, जो 1-2 से मैं हम लोग जो पढ़ाई किया था, तो इसका अंदर एक कन्फ्यूशन बात ज़रूर आता है कि जो रेनबो होता है, ठीक है, रेनबो का कलर का अंदर क्या देखा जाता है, सातों कलर देखा जाता है। ठीक है, जो रेनबो होते हैं ओरिजिनल रेनबो का सातों कलर होता है, बट सीआरटी पीसीबी के अंदर मेन तीनों कलर होता है। और दोस्तों, और एक कन्फ्यूशन बात है कि जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, सीआरटी पीसीबी के अंदर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, उसका अंदर भी जो कलर कोड होता है, वो कलर कोड भी अलग होता है, उसके अंदर 9 कलर देखा जाता है। तो ये कन्फ्यूशन बात है। तो मेनली आज ये वीडियो के अंदर आपको जो दिखाऊंगा, ये सीआरटी पीसीबी के अंदर जो मेन तीनों कलर आउटपुट होता है, जो आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब कलर मिक्सिंग होने के बाद अलग अलग जो प्रॉपर कलर होना चाहिए, ये सब आता है। मान लो कुछ भी रीजन से पीसीबी से जो आरजीबी कलर आउटपुट होता है, वो रेड, ब्लू और ग्रीन, कुछ भी कलर आप ग्रीन सिग्नल को, ग्रीन कलर को रेड सिग्नल पर दे देगा तो क्या होगा, और रेड सिग्नल को ग्रीन कलर पर दे देगा तो क्या होगा, पीसीबी का कुछ फॉल्ट हो सकता है क्या? तो दोस्तों, और स्क्रीन पर कौन सा कलर आएगा, ये जो सब क्वेश्चन मन में आएगा, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपका दोस्त राजकुमार, ठीक है। और ये वीडियो के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत दोस्त ने कमेंट किया है कि सर आपका पता, आपका एड्रेस आप बताइए, आपका बारे में कुछ बताए, बट ये वीडियो के अंदर मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। जो बताऊँगा, मैं इंडिया का अंदर वेस्ट बंगाल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा जो एड्रेस है, जो छोटा सा शहर है जो आमता होता है, और उसका अंदर छोटा सा ग्राम है जो सोनामी होता है, उसका अंदर मेरा ये शॉप सेंटर है, ये से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, मैं बिना टाइम में वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, आपको डायरेक्ट ये वीडियो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, कुछ भी रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ये जो न्यू चाइना पीसीबी है, मैं अलग पिक्चर ट्यूब पर कनेक्शन करके रखा है। तो चलिए, आपका सामने इसका ओरिजिनल कलर मैं दिखाना चाहता हूँ। इसका मैं सप्लाई दे दिया, इसका पावर इंडिकेटर अभी ऑन है, ठीक है। ऑडियो वीडियो मैं कनेक्शन करके ही रखा है, और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए, इस तरह इसका कलर आ जाता है। तो चलिए, एक वीडियो प्ले करके आपको दिखाना चाहता हूँ, एक वीडियो मैं प्ले करके आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। देखिए, इसका फर्स्ट वीडियो जो है यही प्ले करके देखूंगा, ठीक है। इस तरह इसका कलर आता है, ठीक है, ये कलर का पच्चा करके देखिए, ये पीसीबी के ओरिजिनल कलर है, ठीक है। तो चलिए, इसका बाद मैं इसको सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। देखिए, सप्लाई को ऑफ कर दिया। चलिए, मैं सेटअप बॉक्स को मैं भी ऑन ऑफ कर देता हूँ। जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप देखा, इसी तरह सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप आपको देखूंगा कि ये वीडियो के अंदर आपको जो देखूंगा कि ये जो आरजीबी आउटपुट पॉइंट है, आपको अच्छा करके देखना होगा कि ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, ये प्रोसेसर आईसी का देखिए, ये 50 नंबर पिन है, यह से एक कलर आउटपुट होता है, 51 नंबर पिन से एक कलर आउटपुट होता है, और 52 नंबर पिन से कलर आउटपुट होता है, और बीच में एक एक रेजिस्टेंस देखा जाता है तीनों लाइन के अंदर, और ये रेजिस्टेंस के बाद ये जो पॉइंट है, ठीक है, देखिए ये जो जैक पॉइंट होता है, यह से तीनों कलर, ये तीनों पिन से तीनों कलर बेसबोर्ड पर जाता है, एक पिन नेगेटिव हो जाता है और एक पिन 8 वोल्ट पिन होता है। तो और ये साइड जो तीनों डायोड देखा जाता है, ये प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, ठीक है। और ये डायोड देखिए, ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है,
बहुत पीसीबी के अंदर ये डायोड पॉजिटिव सॉरी 8 वोल्ट लाइन का साथ कनेक्शन होता है, ये जो 8 वोल्ट लाइन देखा जाता है, और 8 वोल्ट लाइन का साथ कनेक्शन होगा तो ये डायोड की ये पोजीशन उल्टा हो जाएगा, ये डायोड इधर पोजीशन हो जाएगा। ओके ये क्लियर हो गया। और चलिए आपको इसी टाइम जो देखूँगा पीसीबी को मैं थोड़ा सीधा करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये पीसीबी का अंदर देखिए जैक सिस्टम है, ठीक है, ये जैक सिस्टम है। तो कुछ भी रीजन से इसका RGB सिग्नल इधर उधर हो जाएगा तो क्या फॉल्ट होगा, सही कलर आएगा कि नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकली करके देखाऊंगा। तो दोस्तों ये जैक को मैं ओपन कर दिया और मेरा पास मार्केट का एक बेस बोर्ड है, ये बेस बोर्ड का अंदर देखिए उस तरह जैक नहीं है, ये बेस ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये डायरेक्ट पीसीबी के साथ सोल्डरिंग से कनेक्शन होगा, ठीक है, ये दो पॉइंट है। बट ये जो पॉइंट आप देखिए इसके अंदर भी जैक है जो फिलामेंट सप्लाई और 180 वोल्ट का सप्लाई है, और इस तरह जैक नहीं है तो आप कुछ भी रीजन से ये बेस बोर्ड लगाना चाहते हो तो आपको सोल्डरिंग करके लगाना पड़ेगा। तो सबसे ध्यान देने वाला बात है कि आप ये साइड से देखिए ये साइड से कनेक्शन करोगे कि ये साइड से कनेक्शन करोगे, ये तो कन्फ्यूजन बात है। और एक भी कन्फ्यूजन है कि इसका अंदर जो RGB पिन होता है ये सही से कनेक्शन हो जाएगा कि ये भी चेंज करना पड़ेगा, मन में ये डाउट चलेगा तो उल्टा हो जाएगा तो क्या फॉल्ट आएगा, आपको ये वीडियो का अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसीलिए आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा देखिए ये जैक यहाँ पर लग जाता है, और ये जैक देखिए ये जैक का जो पोजिशन इस तरह इसका काटिंग है, ठीक है, और इसी तरह ये जैक कब घुमा के लगाएगा तो ये नहीं लगेगा, आसानी से नहीं लगेगा, अब जोर जबरदस्ती करेगा तो लग जाएगा। तो ये जो पॉइंट है मैं क्या करूँगा, तो चलिए मैं थोड़ा ड्राइंग करके आपको, तो दोस्तों आपका टाइम मैं वेस्टेज नहीं करना चाहते हो तो इसीलिए ये जो पीसीबी है ये पीसीबी का मैं थोड़ा ड्राइंग करके रखा है। मान लो ये जो प्रोसेसर आईसी होता है, प्रोसेसर आईसी का ये जो पिन मान लो 50 नंबर पिन, मान लो ये 51 नंबर पिन, मान लो ये 52 नंबर पिन। तो दोस्तों ये आईसी का 50 नंबर पिन से R सिग्नल आउटपुट होता है जो रेड कलर होता है, और इसका मिडिल पिन जो 51 पिन से G कलर, और इसका नीचे B कलर मतलब ब्लू कलर आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये तीनों कलर बीच में एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये 100 ओम्स के आसपास होता है ये रेजिस्टेंस का, बाद तीनों RGB सिग्नल मान लो ये तीनों जो पॉइंट है ये तीनों पॉइंट पर RGB तीनों सिग्नल कलर सिग्नल आता है, और ये जो मेन PCB होता है मेन PCB से डायरेक्ट जो वायर ये जो बेसबोर्ड होता है इसका अंदर इस तरह कनेक्शन देखा जाता है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है। एक पिन नेगेटिव होता है, एक पिन 8 वोल्ट सप्लाई पिन होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसी टाइम पीसीबी के अंदर जो जैक है जैक को मैं उल्टा करके लगाऊंगा, तो उल्टा करके लगाने के बाद क्या होगा कि ये जो ग्राउंड पिन ये 8 वोल्ट लाइन पर चला जाएगा और ये 8 वोल्ट सप्लाई ग्राउंड पर चला जाएगा। तो दोस्तों जब ये 8 वोल्ट सप्लाई ग्राउंड पर चला जाएगा तो ये 8 वोल्ट सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा, जब ये 8 वोल्ट सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा तो आईसी पर जो सप्लाई जाना चाहिए वो आईसी पर सप्लाई नहीं जाएगा, तो उसी का रीजन से सेट ऑन नहीं होगा, ये तो एक बात हो गया। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है ये पॉइंट को से मैं ये साइड कनेक्शन करूँगा, और ये जो 8 वोल्ट वाला लाइन है ये लाइन को मैं ये साइड कनेक्शन करूँगा, ठीक है, ये साइड कनेक्शन करूँगा। करने का बाद ये जैक को मैं उल्टा करके लगाएगा तो तब भी इसका माइनस जो ग्राउंड पॉइंट और 8 वोल्ट पॉइंट सीधा हो जाएगा, और ये तीनों पॉइंट को मैं चेंज नहीं करूँगा। तो चेंज नहीं करूँगा तो क्या होगा, ये जो रेड कलर पॉइंट है ये बेस बोर्ड का अंदर ये पॉइंट पर चला जाएगा, तो ये पॉइंट ये सीधा सीधा आप देखेगा तो ये B पॉइंट होगा, जब यहाँ पर मैं इस तरह कनेक्शन करूँगा तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है, ये रेड हो जाएगा, रेड सिग्नल यहाँ पर आएगा B पिन पर, ठीक है, B पिन पर रेड सिग्नल आ जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये किधर चला जाएगा, ये यहाँ से ये पिन पर चला जाएगा, जब ये पिन पर चला जाएगा तो ये B सिग्नल, ठीक है, ये B सिग्नल R सिग्नल पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये B हो जाएगा, यहाँ पर B सिग्नल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका जो मेन ये R होना चाहिए, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, और इसका जो ग्रीन सिग्नल होता है ये ग्रीन सिग्नल ये सीधा ही रह जाएगा, ठीक है, तो ये ग्रीन टू ग्रीन ओके होगा, बट इसका जो ब्लू कलर और रेड कलर मैं घुमा देता हूँ इसी तरह,
इसीलिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए ये जो मैं जैक को ओपन किया, ये जैक को मैं उल्टा करके लगाऊंगा, ठीक है। उल्टा करके लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो जैक पॉइंट है, देखिए इसका वायर किस तरह सीधा सीधा है। तो चलिए मैं इसको कैसे उल्टा करूँगा आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये पॉइंट को मैं बाहर काट लेता हूँ एक साइड को, ठीक है। देखिए ये पॉइंट को मैं बाहर किया, ठीक है। और चलिए ये साइड पॉइंट को मैं बाहर काट देता हूँ। देखिए बाहर किया और ये पॉइंट को मैं ऊपर साइड लगाता हूँ, ठीक है। ऊपर साइड लगाया और ये पॉइंट को मैं इधर साइड लगाता हूँ। इसका नेगेटिव और 8 वोल्ट सप्लाई को मैं इधर उधर काट दिया, ठीक है। और दोस्तों जब मैं ये काट दिया तो ये इस तरह जो लगता है, देखिए इस तरह जो लगता है, मैं ये वायर को इसी तरह जोरदार ज़बरदस्ती करके लगाऊंगा। देखिए मैं ज़ोर ज़बरदस्ती लगाया, आप अच्छा करके देखिए, आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं ये पूरा जैक को उल्टा करके लगाया, ठीक है। अब देखिए पूरा उल्टा करके लगाया तो ये सेट तो ऑन होगा, बट इसका जो कलर क्या आता है एक बार देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपका सामने ही सप्लाई देख के दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और देने का बाद ऑडियो वीडियो सप्लाई भी मैं दे देता हूँ, आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। देखिए फर्स्ट आपको जो कलर दिखाया ये कलर क्या चेंज हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम आपको वीडियो प्ले करके भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं वीडियो आपका सामने प्ले करूँगा और इसका कलर किस तरह आता है आप अच्छा करके देखिए। देखिए फर्स्ट जो वीडियो प्ले किया वही वीडियो मैं इसी टाइम प्ले कर रहा हूँ। देखिए कितना डिसकलर पिक्चर आ गया, अब अच्छा करके देखिए कितना डिसकलर पिक्चर आ गया। तो दोस्तों ये जो पोजीशन कलर सिग्नल इधर उधर हो जाएगा तो इसी तरह फॉल्ट हो सकता है। तो आपको और क्लियर करके मैं दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये ड्राइंग के अंदर आपको जो समझाया आपका दिमाग में नहीं आएगा, तो चलिए मैं आपका और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसी तरह एक ड्राइंग करके रखा है, ठीक है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ड्राइंग मैं करके रखा है, मान लो ये जो आईसी का 8 GB पिन होता है 50, 51 और 52, यहाँ से जो अलग अलग कलर आउटपुट होता है, बीच में जो रेजिस्टेंस दिखा जाता है, ये कलर बेसबोर्ड के अंदर जाता है। हो सकता है बहुत कुछ ब्रांडेड टीवी के अंदर एक ही साइड तीनों कलर पिन हो सकता है, ठीक है। और एक साइड आईके वोल्ट और 8 वोल्ट भी हो सकता है, एक साइड नेगेटिव भी हो सकता है, इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो वो बेस बोर्ड चेंज करने का समय ये सब कुछ आपको ठीक से आइडेंटिफाई करके ही लगाना पड़ेगा। तो ये पीसीबी के अंदर आपको जो देखा या कि इसका जो आर सिग्नल और बी सिग्नल जो आईसी से आउटपुट होता है, ये आर और बी सिग्नल किस तरह जाता है आपको जो देखा, ये जो पॉइंट होता है जो बेस बोर्ड का पॉइंट है, यह इसका आउटपुट साइड भी एक एक रेजिस्टेंस मिल देखा जाता है, जो ये रेजिस्टेंस का थ्रू बी सिग्नल, ये रेजिस्टेंस का थ्रू ग्रीन सिग्नल और ये रेजिस्टेंस का थ्रू आर सिग्नल, ठीक है। मान लो ये जो आर सिग्नल आपको ड्राइंग करके देखा है 50 नंबर पिन से जो आउटपुट होता है, मैं क्या किया, ये जो सिग्नल तीनों कलर ट्रांजिस्टर पर जाता है। देखिए ये आर सिग्नल एक ट्रांजिस्टर पर जाता है, ठीक है। जी सिग्नल अलग से ट्रांजिस्टर पर जाता है और बी सिग्नल अलग से ट्रांजिस्टर पर जाता है। मान लो ये बी सिग्नल ये ट्रांजिस्टर पर आने के बाद ये ट्रांजिस्टर पर एक 180 वोल्ट, देखिए मैं 180 वोल्ट सप्लाई देके आपको दिखाया, ये 180 वोल्ट सप्लाई आने के बाद ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा और इसका जो कलर, ये जो सिग्नल आता है ये कलर को एम्पलीफाई करके ये जो आउटपुट पॉइंट है, ये आउटपुट पॉइंट से बेस बोर्ड का अंदर सप्लाई देता है, बेस का अंदर सप्लाई देता है और यहाँ से पिक्चर ट्यूब का अंदर वो कलर जाता है हाई वोल्टेज का साथ,
ठीक है। इसी तरह तीनों कलर, ये बी कैथोड जो पिन होता है इसके अंदर एक कलर जाता है, आर कैथोड जो पिन होता है इसके अंदर एक सिग्नल जाता है, और ये जी कैथोड पिन के अंदर अलग अलग ट्रांजिस्टर से सिग्नल जाता है, ट्रांजिस्टर सेट होगा। तो मान लो आईसी सेट होगा तो आईसी के अंदर भी इस तरह अलग अलग लाइन देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरह ये सब सिग्नल जाता है, मैं इसके अंदर आपको क्या देखा है, ये जो आर सिग्नल ये जो ट्रांजिस्टर पर जा रहा है, ये सिग्नल को मैं काट करके ये जो बी सिग्नल पर कनेक्शन किया, ठीक है, और ये बी जो सिग्नल लाइन है ये सिग्नल को मैं काट करके ये आर सिग्नल पर दे दिया, ठीक है। तो इसी तरह मैं कनेक्शन करके आपको ये वीडियो के अंदर दिखाया। हो सकता है कुछ भी गलती से ये सिग्नल लाइन को आप इधर काट दिया और ये सिग्नल का मिडिल काट दिया तो सही से कलर नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ भी न्यू बेसबोर्ड लगाने का समय। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।